phase difference between the instantaneous velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion. अब velocity और acceleration के बीच phase difference कैसे निकाला जाता है? आपको पता होगा कि x is equal to a sin omega t अगर simple harmonic motion को represent कर रहा है, तो velocity एक बार differentiate कर दो dx over dt, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा कि a omega cos omega t, इतना लिख सकता हूँ। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करूँ तो एक्सलेशन मिलेगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये अब इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें और इसमें फेज का डिफरेंस निकालना, वैसे भी यार देखने से लग रहा पाई बाई टू, भाई एक साइन का एक कॉस का है तो इनमें फेज डिफरेंस पाई बाई टू पॉइंट फाइव ही होगा, पाई बाई टू पॉइंट फाइव, या नहीं तो और एक स्टेप सॉल्व कर लो। तो ये ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस कॉस देखना कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू है तो क्या होगा, कॉस थीटा बोलो पाई बाई टू है तो साइन थीटा बनेगा, और पाई बाई टू है तो कॉस में पाई बाई टू जोड़ोगे तो सेकेंड में जाओगे और सेकेंड में साइन निगेटिव होता है, तो कॉस पाई बाई टू प्लस टू माइनस साइन थीटा के इक्वल होता। अब आराम से फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस, साइन और कॉस का एंगल का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई टू मतलब पॉइंट फाइव, डी ऑप्शन सही है।